क्योंकि आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, व्यवहारों के उज्जवल भविष्य के लिए, प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए आप भाई जयपित राज्य को विजयी बनाए। और हमारे हमारे बेहतर पारिवारिक सदस्य आदरणीय धर्मवीर जी, भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबे समय तक अपने खून और पसीने से सींचने वाले मेरे पिताजी के मित्र और मेरे चाचा जी आदरणीय पंडित रामविलास शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे घर के मेंबर श्री जागरा साहब, श्री टीपी भट्ट साहब, बनवारी लाल जी, मुकेश गौर जी, मंजा सिंह, सभी सम्मानित नेतागण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आज यहाँ पर कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने आपके पास नहीं आया। मैं तो आप सबसे मिलने, आपका आशीर्वाद लेने और अपने मित्र, अपने भाई ये भी दलाल जी के लिए हाथ जोड़कर वोटों की अपील करने आया हूं। साथियों, 5 साल के बाद आपको एक मौका मिलता है, सिर्फ एक मौका कि आपके अगले 5 साल किस प्रकार के होने चाहिए। 5 साल में सिर्फ एक बार आपको मौका मिलता है कि आप अपनी तकदीर अगले 5 साल किस प्रकार की चाहें, क्योंकि ईश्वर आपको जन्म देता है और मुख्यमंत्री आपकी तकदीर लिखता है। मुख्यमंत्री कौन बनाता है? विधायक बनाता है। विधायक कौन बनाता है? आप लोग बनाते हैं। तो फिर तकदीर कौन लिखता है? आप लिखते हैं, आपका वोट लिखता है। इसलिए साथियों, मेरी पुरजोर हाथ जोड़ के प्रार्थना कि सोच समझ के सही फैसला करें। हम पड़ोसी इलाके के हिसार के हैं, भिवानी के भी मैं सांसद रहा हूं। साथियों, मेरे आजमपुर में भी अगर चर्चा होती है हरियाणा प्रदेश में विकास की, तो मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के कहता हूं, सबसे पहले जेपी दलाल साहब का नाम आता है। मुझे तो बड़ी हैरानी है कि हमें रैली की आवश्यकता भी क्या है। इनको तो आपको घर बैठे जिताना चाहिए। भागीरथी जो जहां पे तेल तक पानी पहुंचाने वाले, विकास करने वाले, खाद बनाने वाले, बिजली बनाने वाले, हमारे तो कई बार मुख्यमंत्री लेकर लड़ाई भी हो जाती थी, क्योंकि हमसे ज्यादा मेहरबान दलाल साहब कहो कैसे करो क्या, इतना ज्यादा प्यार थे इनका अपने हल्के के लिए, जब इनको ना नहीं कर सकते बजट से। साथियों, ऐसा नुमाइंदा आपको नहीं कर सकता। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आया ही हूँ, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ, मेरे बेटे खुद का चुनाव कर रहा है, फिर भी आपके बीच में इसलिए आया हूँ आपको समझाने कि हमारे परिवार के हैं, मित्र हैं, और साथियों आपके परिवार का उज्जवल भविष्य जेपी दलाल से बेहतर कोई नहीं बना सकता। कांग्रेस पार्टी के लोग आपके बीच में आते हैं, 2 मिनट का समय क्या? कांग्रेस पार्टी के लोग मुझे नहीं पता क्या क्या के वोट मांगते हैं। साथियों, समझदार वोटर वो होता है जो अच्छे बुरे की पहचान करता है। 10 साल के आप कांग्रेस पार्टी की सरकार को आप याद करिए, कितने घोटाले आए, कितने घोटाले आपको देखने को मिलते थे। अखबार खोलो तो घोटाला, टीवी खोलो तो घोटाला, मोबाइल पे सोशल मीडिया देखो तो घोटाला। इस भ्रष्टाचारी सरकार को भी कोई याद में दोबारा लेके आना चाहता है? क्या जवाब देंगे अपने आने वाली पीढ़ी को? एक भारतीय जनता पार्टी, एक जेपी दलाल जैसा बेहतरीन नेता, एक बेहतरीन पार्टी हमें मिल रही थी, अपने हाथ से भ्रष्टाचारी सरकार को वापस लेकर आके, रॉबर्ट वाड्रा से लेकर नीचे तक घोटालों में लिप्त ये लोग, किसानों की बेशकीमती जमीन गुड़गांव में कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों में बेचने वाले लोग आज मुझे नहीं पता किस बात के आपको वोट मांगने आते हैं। और 10 साल क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उठा के देखी, एक घोटाला आपको नहीं मिला। 10 साल साथियों बहुत लंबा समय होता है कि आप सरकार के ऊपर उंगली उठाने का, यहाँ तो घोटाले का शक की कोई भी नहीं हिलती। इतनी बेहतरीन सरकार 10 साल आपको मेरे, आप जानते हैं। साथियों, मौका मत चूक जाना, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 5 साल में एक मौका आपको मिलता है, सिर्फ एक मौका कि आप आने वाली 5 साल की तकदीर लिखते हो, क्योंकि आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, व्यवहारों के उज्जवल भविष्य के लिए, प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए आप भाई जेपी दलाल जी को विजयी बनाए और भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करे। या मेरी जितने भी साथी व्यवहारों में है या भिवानी में है, उन सबसे मेरी पुनर् हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो भी चौधरी भजनलाल जी का अनुयायी है, जो भी मेरे संघर्ष का साथी है, अगर पश्चिम मन से भजनलाल जी का सम्मान करता है या मेरा सम्मान करता है,
तो ये भी दलाल जी का वोट दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।